सिवान हथुआ रोड पर जियाए गांव स्थित पल्लवी डीवीएम पब्लिक स्कूल में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सिवान के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने स्कूल के बच्चों सहित सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध धर्मगुरु श्री श्री 108 श्री ब्रह्मचारी बाबा व विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के डायरेक्टर के एन सिंह मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर डिप्टी डायरेक्टर आदित्य कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शिवशंकर गुप्ता और प्रिंसिपल प्रीति सिंह काफी तत्पर दिखाई दिए। एटीएन लाइव के लिए सुमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी एक पब्लिक स्कूल के प्रचार महोदय का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक महान शिक्षाविद भारत भगवाना पड़ा हम आपके इंतजार नहीं करेंगे। आज धरती खुशी से भरी हो गई पंख वाली, आज धरती खुशी से भरी हो गई पंख वाली तितलिया परी हो गई। आज करके नमन शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अविनाश्री संबंध है। अच्छी सेहत के बिना अच्छी तालीम नहीं हासिल की जा सकती, और अगर अच्छी तालीम हो भी पर अगर सेहत अच्छा न हो तो उस तालीम का उपयोग सही ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए इस डीवीएम पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने सेहत के महत्व को समझा और उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों में उच्च कोटि के सेहत का होना अनिवार्य समझा गया। इसलिए हम लोगों ने चिकित्सकों से, शहर के ये दो सुविख्यात चिकित्सकों से अनुरोध किया, अब हमारे विद्यालय परिसर में आए। जी में एक कहावत है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ दिमाग में ही अच्छी शिक्षा ग्रहण हो सकती है। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छी तरह से तालीम पाएंगे, शिक्षित होंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ साथ इस क्षेत्र के बच्चे अभिभावक गणों के लिए शहर के मशहूर डॉक्टरों के द्वारा प्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि आसपास के बच्चे अभिभावक अगर स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ होगा। क्योंकि संस्कृत में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए हमारा समाज, देश और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तभी देश की, समाज की उन्नति होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का आयोजन किया गया है। आज का मेंटल कैंप का यही उद्देश्य है कि सभी जो भी आसपास के बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, उनका इलाज हो और सब कोई स्वस्थ रहे। मेन हमारा मिशन यही है कि सभी कोई स्वस्थ रहे। के माध्यम से हम ये बता दें कि तालीम और सेहत में अनासरे संबंध है। बच्चे अच्छे तालीम पाने के साथ साथ अपना अच्छा सेहत भी मेंटेन करके रखते हैं, और इसकी महत्ता को समझते हुए
पल्लवी डीवीएम पब्लिक स्कूल के प्रचार या इसके संचालक आज विद्यालय परिसर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया है, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी चिकित्सा की चिकित्सीय दृष्टिकोण से जांच होगी और अगर कोई उसमें किसी तरह का रोग दुख निकलता है तो वे कंसर्न डॉक्टर से संपर्क करेंगे और इस तरह से अच्छी सेहत अपना बनाए रखेंगे। अच्छी सेहत अच्छी तालीम प्राप्ति का मुख्य साधन है, बिना इसके संभव नहीं। दूसरी बात, इस तरह का आयोजन हर विद्यालय में होते रहना चाहिए, होता भी है, लेकिन अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि बच्चे एक जगह एकत्रित होते हैं, बच्चे के माध्यम से उनके अभिभावक भी वहां आ जाएंगे। इस तरह से बच्चों और उनके अभिभावकों का अगर हेल्थ चेकअप प्रोग्राम कम से कम ट्वाइस इन ईयर और थ्राइस इन ईयर होते रहे तो अच्छी सेहत देखने को मिलेगी और फिर जब सेहत अच्छा होगा तो तालीम कठिन से कठिन भी क्यों ना हो उसकी प्राप्ति में आसानी प्राप्त होगी। आज के परिवेश में सर जितने तेजी से विद्यालय खुल रहे हैं उस तरह की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, वैसे में डीवीएम आपका कहना बिल्कुल सही है। तेजी से विद्यालय खुल रहा है या तो व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से पहली बात जहां आपका इशारा है या बच्चों को सही तालीम देने के दृष्टिकोण से, तो ये तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे पहले जांच लें विद्यालय किस तरह का है। अगर व्यवसायीकरण की तरफ चल रहा है तो थोड़ी सी दूरी बनाए, अगर सही एजुकेशन देने की वादा कर रहा है तो उसको जांच पर रख लें, एक असर अपने बच्चों को दे करके देख लें क्या सही है क्या गलत है। और अगर विद्यालय सही दृष्टिकोण से अच्छी तालीम दे रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो अभिभावकों से हम तो अनुरोध करेंगे कि इस तरह के विद्यालय में बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अपने बच्चों का दाखिला अवश्य कराएं ताकि बच्चा आगे चल करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल हो सके।